दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार व स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी को दिल्ली में हुए एक प्रचार कार्यक्रम में 2014 इंचियन एशियाई खेलों का सद्भावना दूत बनाया गया है। इंचियन एशियाई खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष किम योंग सू ने नई दिल्ली रोड शो में सुशील व दीपिका के नाम की घोषणा की। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के महासचिव राजा रणधीर सिंह भी उपस्थित थे। I am extremely happy that our two Olympian athletes, double medalist Mr. Sushil Kumar, wrestler, and Ms. Deepika Kumari, archery, has been appointed as the Indian Goodwill Ambassadors for the 17th Asian Games. Congratulations, Sushil, Deepika. सुशील कुमार अब पूरी तरह से फिट हैं और अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। उनका लक्ष्य इस वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में देश के लिए पदक जीतना है, जबकि दीपिका कुमारी ने भी सुशील के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि वे इस बार एशियन गेम्स में पक्का पदक जीतने में सफल होंगी। गौरतलब है कि एशियाई खेल 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किए जाएंगे। एशियन गेम्स में भारत का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1991 में हुए पहले एशियन गेम्स में जहां 15 गोल्ड मेडल हमारे नाम आए, वहीं 1990 में हम केवल एक ही गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे, जबकि पिछले एशियन गेम्स में 14 गोल्ड मेडल हमारे नाम आए। ऐसे में इस बार भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच टकराव के कारण स्थिति और भी खराब नजर आ रही है। कैमरामैन जगपाल के साथ अशोक मर्तोलिया, DD न्यूज़, दिल्ली।